दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए जेल विभाग ने अनूठी पहल की है। जेल विभाग द्वारा कैदियों को जेलों में विभिन्न प्रकार के हैंडमेड उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद तैयार उत्पादों का न्यायालय और जिला परिसर के सामने जनता के लिए दुर्गाष्टमी पर हिमकारा पहल के नाम से एक स्टोर को खोला गया है, जिसका उद्घाटन एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने किया। प्रदेश की जेलों में बंद जेल विभाग द्वारा कैदियों को जेलों में विभिन्न प्रकार के हैंडमेड उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद तैयार उत्पादों का आज एक स्टोर मंडी न्यायालय और जिला परिषद के बाहर खोला गया है। इसमें कैदियों द्वारा बेकरी के प्रोडक्ट और हैंडलूम के उत्पाद तैयार किए गए हैं। स्टोर में मंडी जेल में विभिन्न मामलों में अंडर ट्रायल महिला कैदियों द्वारा गर्म ऊनी वस्त्रों सहित अन्य कैदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया। यह एक प्रकार का पहला और अनूठा प्रयास किया गया, जिसमें मंडी जिले की जेल में बंद कैदियों के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के उत्पादों की बिक्री की जा रही है। जेलों में बंद कैदियों के जीवन सुधार कार्यक्रम के तहत यह प्रयास किया गया। नाहन और बिलासपुर जेल के कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों को भी स्टोर में शामिल किया गया। एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने कहा कि मंडी जेल में 15 के करीब महिला कैदी उन्हें वस्त्र तैयार करने के साथ ही अन्य महिला कैदियों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। इस अवसर पर एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने उम्मीद जताई कि इसके सार्थक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। वहीं मंडी जेल के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश ने जिला न्यायालय और जिला परिसर के बाहर हिमकारा स्टोर खोलने के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। नवरात्रि में अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अष्टमी के इस पावन अवसर पे हमारा जो हिमकारा स्टोर है, हिमकारा यानी हिमाचल के कारागार वासी जो हमारे जो बंधु हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं या जो कन्विक्स हैं, जो सामान बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसका ये स्टोर होता है, उसका ये ब्रांड नेम है हिमकारा स्टोर। उसका एक छोटा सा आउटलेट, छोटा सा शॉप हमने अपने जुडिशरी कॉम्प्लेक्स में डीसी ऑफिस के सामने उसके बगल में जहाँ एचपीएमसी जूस बार है, जहाँ की नोटरी वाले बैठते हैं, आपको याद होगा, वहाँ पे एक छोटा सा हमने आउटलेट बनाया है हिमकारा स्टोर का। तो यहाँ हमारी जितनी भी मेन जो जेलें हैं, जैसे कैथू जेल हो गई, कंडा जेल हुई, नाहन जेल हुई, और हमारी खुद की जो मंडी जेल है, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हैं, आप खरीद सकते हैं। स्पेशली बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं और रूरल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, कुकीज़ बहुत अच्छे हैं, बंस बहुत अच्छे हैं, केक्स बहुत अच्छे हैं, तो आप ज़रूर यहाँ से सामान लें ताकि हमें रिहैबिलिटेशन में जो है वो रिफॉर्मेशन जो है हमारा एक मोटो है जेल का, प्रिजन सर्विसेज का हमारा एक मोटो है कि हमें रिफॉर्मेशन की तरफ जाना है, तो वो आप हमारे इस मोटो में साथ दें सभी। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस हिमकारा स्टोर को विज़िट करें। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज ने जो यहाँ पर हमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहल स्टोर हिमाचल प्रदेश की जितनी भी प्रिजन हैं और उनमें जो प्रिजन रह रहे हैं उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, पर ये स्टॉल छोटा होने की वजह से यहाँ हम डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मैसेज है जनमानस को कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं उनमें रिफॉर्मेशन के लिए, कैदियों के रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार द्वारा तथा विभाग द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं उसका एक छोटा सा नमूना यहां पर माननीय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज के निर्देशानुसार और उनके सहयोग से आज ओपन हुआ है। और इस ये ब्रांड नेम हिमकारा पहल स्टोर करके हिमाचल प्रदेश की जितनी भी प्रिजन है और उनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिस्प्ले किए जाएंगे और वो आम पब्लिक को सेल किए जाएंगे, जिससे कि जो वेजेस प्रिजनर्स उससे अर्न करेंगे वो अपनी फैमिली को उससे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।